हरि ओम तत्सत श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। अवधूत भगवान दत्तात्रेय एवं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पूर्वज महाराज यदु के मध्य का यह सुंदर बौद्धिक संवाद, जिसे अवधूत गीता के नाम से व्यक्त किया जाता है, इसका तीसरा अध्याय प्रथम श्लोक। गुण विगुण विभागो वर्तते नैव किंचित रति विरति विहीनम निर्मलम निष्प्रपंचम गुण विगुण विहीनम व्यापकम विश्वरूपम कथम हमीह वंदे व्योम रूपम शिवम वै। जिस आत्मा ब्रह्म में किंचित भी गुण एवं निर्गुण का विभाग नहीं है, जो रति और विरति से रहित निर्मल एवं प्रपंच से रहित है, उस सगुण निर्गुण से रहित व्यापक विश्व रूप की मैं कैसे वंदना करूं, जो आकाश स्वरूप एवं कल्याण स्वरूप है। श्वेतादि वर्ण रहितो नियतम शिवश्च कार्यम ही कारणमिदं ही परम शिवश्च एवं विकल्प रहितो अहमलम शिवश्च स्वात्मान मात्मनि सुमित्र कथम नमामि। जो वेद आदि वर्गों से रहित नित्य एवं शिव रूप है, यही कारण एवं कार्य है, श्रेष्ठ व शिव ही है तथा विकल्प रहित परिपूर्ण शिव रूप ही है। हे सुमित्र, फिर मैं अपनी आत्मा को आत्मा में किस प्रकार नमस्कार करूं? निर्मूल मूल रहितो ही सदोदितो अहम निर्धूम धूम रहितो ही सदोदितो अहम निर्दीप दीप रहितो ही सदो दितो अहम् ज्ञानामृतम् समरसम् गगनोपमो अहम्। मैं निर्मूल और मूल से रहित हूँ, निधूम और धूम से रहित हूँ, निर्दीप और दीप से रहित हूँ, मैं सदा ही उदित हूँ, ज्ञानामृत समरस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। निष्काम काममीह नाम कथम वदामि निसंग संगमिहि नाम कथम वदामि निसार सार रहितम च कथम वदामि ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमम अहम्। मैं आत्मस्वरूप होने से ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ, फिर अपने को निकास एवं कामना नाम वाला किस प्रकार कहूँ? निसंग एवं संग वाला भी किस प्रकार कहूँ? और निसार और सार रहित भी किस प्रकार कहूँ? अद्वैत रूपम अखिलम ही कथम वदामि द्वैत स्वरूपम खिलम ही कथम वदामि नित्यम त्वनित्यम अखिलम ही कथम वदामि ज्ञाना अमृतम समरसम गगनोपमो अहम्। इस संपूर्ण जगत को मैं अद्वैत रूप कैसे कहूँ? इस संपूर्ण जगत को मैं द्वैत स्वरूप कैसे कहूँ? इस संपूर्ण जगत को नित्य अथवा अनित्य कैसे कहूँ? मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। स्थूलम ही नो नहीं कृशम नागतागतम ही आध्यात् मध्य रहितम ना परापरम ही सत्यम वदामि खलु वै परमार्थ तत्वम ज्ञाना अमृतम समरसम गगनोपमो अहम्। हमारी आत्मा स्थूल भी नहीं है, ना सूक्ष्म है, ना गगना न गमन वाला ही है। यह आदि अंत और मध्य से रहित है, पर ऊपर से भी रहित है,
मैं निश्चय ही सत्य कहता हूँ कि मैं परमार्थ तत्व ज्ञाना अमृत एक रस एवं आकाश की उपमा संविद्धि सर्व करणानि नभो निभानि संविद्धि सर्वविषयांश्च नभो निभांश्च संविद्धि चैकममलम ना ही बंधमुक्तम ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो अहम्। संपूर्ण कर्णों को इंद्रियों को तू आकाश की भांति शून्य जान और संपूर्ण विषयों को तू आकाश के तुल्य शून्य जान। एक आत्मा को ही माया मल से रहित तू जान जो बंधन और मुक्ति से रहित है। वही मैं हूँ जो ज्ञानामृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला है। दुर्बोध बोध गहनों ना भवामितात् दुर्लक्षय लक्ष्य गहनों ना भवामितात् आसन्न रूप गहनों ना भवामितात् ज्ञाना अमृतम समरसम गगनोपमो अहम्। हे तात् बोध स्वरूप आत्मा का ज्ञान बड़ा दुर्बोध है तथा गंभीर है। वह मैं नहीं हूँ, वह दुर्लक्ष्य है, इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, उसे जानना भी गंभीर है। सो मैं नहीं हूँ, वह अति समीप है, फिर भी उसको जानना गंभीर है। वह मैं नहीं हूँ, मैं समरस ज्ञानामृत एवं आकाश को उपमा वाला हूँ। निष्कर्म कर्म दहनों ज्वलनो भवामी निर्दुख दुख दहनो ज्वलनो भवामी निर्देह देह दहनो ज्वलनो भवामी ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो अहम्। मैं कर्म से रहित फिर भी मैं कर्मों का दाहक अग्नि हूँ। मैं दुखों से रहित हूँ फिर भी दुखों का दाहक अग्नि हूँ। मैं देह से रहित हूँ फिर भी देह का दाहक अग्नि हूँ। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। निष्पाप पाप दहनो ही हुताश नो हम निर्धर्म धर्म दहनो ही हुताश नो अहम निर्बंध बंध दहनो ही हुताश नो अहम ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो अहम्। मैं निष्पाप हूँ फिर भी पापों को नष्ट करने में मैं अग्नि रूप हूँ। मैं निर्धर्म हूँ फिर भी धर्म और अधर्म को जलाने में मैं अग्नि रूप हूँ। मैं निर्बंध होते हुए भी बंधनों को जलाने में अग्नि रूप हूँ। मैं एक ही ज्ञानामृत समरस एवं आकाश के समान हूँ। निर्भाव भाव रहितो ना भवामी वत्स निर्योग योग रहितो ना भवामी वस्त निश्चितो चित्त रहितो ना भवामी वत्स ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो अहम्। हे वत्स मैं निर्भाव होते हुए भी भाव से रहित हूँ। मैं निर्योग होकर भी योग से रहित नहीं हूँ। मैं बिना चित्त वाला होकर भी चित्त से रहित नहीं हूँ। मैं ज्ञाना अमृत एक रस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। निर्मोह मोह पदवीति नामे विकल्पो निशोक शोक पदवीति नामे विकल्पः निर्लोभ लोभ पदवीति नामे विकल्पो ज्ञाना अमृतम समरसम गगनोपमो अहम्। मेरे में निर्मोह अथवा मोह वाला विकल्प नहीं है। शोक रहित अथवा शोक वाला विकल्प भी मेरे में नहीं है। निर्लोभ अथवा लोभ वाला विकल्प भी मेरे में नहीं है। मैं ज्ञाना अमृत समरस एवं आकाश को उपमा वाला हूँ। संसार संत तिलता नाचा में कदाचित संतोष संत ती सुखो नाचे में कदाचित अज्ञान बंधन मिदम नाचा में कदाचित ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो अहम्। संसार की संतति रूपी लता मेरे में नहीं है।
संतोष रूपी संतति का सुख भी मेरे में नहीं है, ये अज्ञान के बंधन भी मेरे में नहीं है। मैं एक रस ज्ञान अमृत एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। संसार संत तिरजो नाचे में विकारहा, संताप संत तितमो नाचे में विकारहा, सत्वम स्वधर्म जनकम नाच्या में विकारो, ज्ञानामृतिम समरसम गगनोपमो अहम। संसार को संतति रज रजोगुण है, यह विकार मेरे में नहीं है। संताप को संतति तम तमोगुण है, वह भी विकार मेरे में नहीं है। स्वधर्म का जनक सत्व सतोगुण, वह विकार भी मेरे में नहीं है। मैं ज्ञानामृत एक रस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। संताप दुख जन को न विधि कदाचित, संताप योग जनितम न मना कदाचित, यस्माद् अहंकृति रियम नाचा में कदाचित, ज्ञानामृतिम समरसम गगनोपमो अहम। संताप रूपी दुख की जनक जो विधि है वह मैं नहीं हूँ। संताप की योग से उत्पन्न हुआ मन भी मैं नहीं हूँ, जिससे यह अहंकार भी मेरा नहीं है। मैं ज्ञाना अमृत एक रस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। निष्कंपक कंप निधनम ना विकल्प कल्पम, स्वप्रबोध निधनम ना हिताहितम ही, निस्सार सार निधनम ना चराचरम ही। मैं ज्ञानामृत समरसम गगनोपमो अहम्। मैं कंपन रहित और कंपन का नाश करने वाला नहीं हूँ। मैं संकल्प और विकल्प ही हूँ। स्वप्न और जागृत का नाश करने वाला भी मैं नहीं हूँ, ना हित और अहित ही हूँ। मैं निस्सार और सार का नाश करने वाला भी नहीं हूँ, तथा चर एवं अचर भी नहीं हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत एक रस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। नो वैद्य वेदक मिदम नाच हेतु तर्क्यम, वाचा मगोचर मिदम न मनो न बुद्धि, एवं कथम ही भवतः कथयामि तत्त्वम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो अहम। यह आत्मा ब्रह्म किसी से नहीं जाना जाता, यह स्वयं जानने वाला है। यह तर्क का हेतु भी नहीं है, वाणी का विषय भी नहीं है, दिखाई भी नहीं देता, मन और बुद्धि भी इसे जान नहीं सकती। इसलिए मैं तुम्हारे को इस तत्व को किस प्रकार कथन करूं? मैं ज्ञाना अमृत एक रस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। निर्भिन्न भिन्न रहितम परमार्थ तत्व मंत्र बहिर्न ही कथम परमार्थ तत्वम, प्राक संभवम न च तरतम नहीं वस्तु किंचित, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो अहम्। यह परमार्थ तत्व भेद और अभेद से रहित है, भीतर और बाहर का भेद भी इसमें नहीं है। उस परमार्थ तत्व का कथन किस प्रकार है? यह पूर्व में था ऐसा भी नहीं है, ना यह किसी में लिप्त है, ना यह कोई पदार्थ ही है। मैं स्वयं ज्ञानामृत एक रस आकाश तुल्य व्यापक ब्रह्म ही हूँ। रागादि दोष रहितम त्वहमेव तत्वम, देवादि दोष रहितम त्वहमेव तत्वम, संसार शोक रहितम त्वहमेव तत्वम, ज्ञानामृतिम समरसम गगनोपमो अहम्। रागादि दोषों से रहित मैं ही आत्मतत्व हूँ, देव आदि दोषों से रहित मैं ही आत्मतत्व हूँ, सांसारिक शोक से रहित मैं ही आत्मतत्व हूँ। मैं ज्ञाना अमृत समरस एवं आकाश के समान हूँ। स्थान त्रयम यदि च नेति कथम तुरीयम, काल त्रयम यदि च नेति कथम दिशश्च, शांतम पदम ही परमं परमार्थ तत्वम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो अहम्। आत्मा में स्थान त्रय जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, फिर तुरीय अवस्था कैसे हो सकती है?
तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान भी नहीं हैं, फिर दिशाएं कैसे हो सकती हैं? यह आत्मा ब्रह्म शांत पद वाला परम परमार्थ तत्व है। मैं ज्ञाना अमृत समरस तथा आकाश तुल्य वाला हूँ। दीर्घो लघु पुनरीति है न मे विभागो विस्तार संकट मिति है न मे विभाग कोडम ही वर्तुल मिति है न मे विभागो ज्ञानामृतिम समरसम गगनोपमो अहम। फिर इस लोक में बड़े और छोटे का विभाग भी मेरे में नहीं है, विस्तार और संकोच का विभाग भी मेरे में नहीं है, कोण और गोलाकार का विभाग भी मेरे में नहीं है। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। माता पिता आदि तनि आदि न मे कदाचित जातमृतम न च मनो न च मे कदाचित निर्व्याकुलम स्थिरमिदम परमार्थ तत्वम ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो अहम। मेरे माता पिता आदि तथा पुत्र आदि भी नहीं हैं, ना मैं उत्पन्न हुआ हूँ ना मैं मरता ही हूँ, मेरा मन भी नहीं है, मैं व्याकुलता से रहित एवं स्थिर यही परमार्थ तत्व हूँ जो ज्ञानामृत समरस एवं आकाश के तुल्य हूँ। शुद्ध विशुद्धम विचार मनंत रूपम निर्लेप लेपम विचारम अनंत रूपम निष्खंड खंड विचारम अनंत रूपम ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो अहम। मैं शुद्ध हूँ विशुद्ध हूँ विचार रहित एवं अनंत रूप हूँ, निर्लेप होकर भी सब में लिप्त हूँ, सभी पदार्थों में मैं अखंड हूँ, मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। ब्रह्मादया सुरगणः कथमत्र संति स्वर्गयादयो वसतः कथमत्र संति यद्येक रूप मलमलनम परमार्थ तत्वम ज्ञानामृतिम समरसम गगनोपमो अहम्। यदि यह ब्रह्म एक रूप मल रहित एवं परमार्थ तत्व है तो इसमें ब्रह्मा आदि से लेकर देवताओं के समूह किस प्रकार हो सकते हैं, स्वर्ग आदि बस्तियां भी किस प्रकार हो सकती हैं। मैं एक ही ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश को उपमा वाला हूँ। निर्नेति नेति विमलो ही कथम बदामी निशेष शेष विमलो ही कथम बदामी निर्लिंग लिंग विमलो ही कथम बदामी ज्ञानामृतिम समरसम गगनोपमो अहम्। इस विमल को निर्नेति अथवा ती किस प्रकार मैं कहूँ, इसे निशेष और शेष भी किस प्रकार कहूँ, इसे निर्लिंग तथा लिंग रूप भी किस प्रकार कहूँ, मैं एक ही ज्ञानामृत तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। निष्कर्म कर्म परमम सततम करोमि निसंग संग रहितम परमम विनोदनम निर्देह देह रहितम सततम विनोदम ज्ञानामृतिम समरसम गगनोपमो अहम्। मैं कर्म से रहित हूँ फिर भी परम कर्म को निरंतर करता हूँ, मैं निसंग और संग दोनों से रहित हूँ फिर भी विनोद करता हूँ, मैं निर्देह और देह दोनों से रहित हूँ फिर भी सदा आनंद में रहता हूँ, मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य वाला हूँ। माया प्रपंच रचना नाचा में विकारः कौटिल्य दंभ रचना नाचा में विकारः सत्यानृतेति रचना नाचा में विकारो ज्ञानामृति समरसम गगनोपमो अहम्। माया रूपी प्रपंच भी रचना मेरा विकार नहीं है, कुटिलता और दंभ की रचना मेरा विकार नहीं है, सत्य और सिद्ध की रचना मेरा विकार नहीं है, मैं ज्ञान अमृत समरस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। संध्यादिकाल रहितम नाचा में वियोगो हन्ते प्रबोध रहितम बधिरो नमूकः एवं विकल्प रहितम नाचा भाव शुद्धम ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो अहम्।
मैं संध्या आदि काल से रहित हूँ, फिर भी उनसे वियोग नहीं है। आंतरिक बोध से रहित हूँ, फिर भी मूक और बधिर नहीं हूँ। विकल्प से रहित हूँ, फिर भी चित्त से शुद्ध नहीं हूँ। मैं ज्ञाना अमृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। निर्नाथ नाथ रहितम ही निराकुलम वये, निश्चित चित्त विगतम ही निराकुलम वये, संविद्धि सर्व विगतम ही निराकुलम वये, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो अहम्। मेरा कोई स्वामी नहीं है, ना मैं किसी का स्वामी ही हूँ। मेरा कोई कुल भी नहीं है, मैं बिना चित्त वाला हूँ। ना मेरा कोई चित्त ही है, मैं व्याकुलता से रहित हूँ। निश्चय जान कि मैं सर्व से रहित हूँ, फिर भी सर्वगत हूँ। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। कांतार मंदिर मिदम ही कथम वदामी, संसिद्ध संशय मिदम ही कथम वदामी, एवं निरंतर समम ही निराकुलम वई, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो अहम्। मैं इस जगत को निर्जन वन का मंदिर किस प्रकार कहूँ, मैं इसे संशय से युक्त भी किस प्रकार कहूँ, तथा इसे निरंतर सम तथा निराकुल भी किस प्रकार कहूँ। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। निर्जीव जीव रहितम सततम विभाति, निर्बीज बीज रहितम सततम विभाति, निर्वाण बंद रहितम सततम विभाति, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो अहम्। मुझे बराबर दिखाई देता है कि यह जगत निर्जीव और जीव से रहित है, निर्बीज और बीज से रहित है, तथा निर्वाण मोक्ष एवं बंधन से रहित है। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। संभूति वर्जित मिदम सततम विभाति, संसार वर्जित मिदम सततम विभाति, संसार वर्जित मिदम सततम विभाति, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो अहम्। मुझे निरंतर भान होता है कि यह जगत संभूति रहित है, संसार से रहित है, नाश से रहित है। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। उल्लेख मात्रमपि ते नाचा नाम रूपम, निर्भिन्न भिन्नमपि ते ना ही वस्तु किंचित, निर्लज्ज मानस करोषि कथम विषादम, ज्ञानामृतिम समरसम गगनोपमो अहम्। उल्लेख मात्र भी तेरा नाम और रूप नहीं है, तेरे से भिन्न और अभिन्न भी कोई वस्तु नहीं है, फिर हे निर्लज्ज मन तू क्यों विषाद करता है। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। किम नाम रोदिशिये सखे न जरा न मृत्यु, कि नाम रोशी रोदिशी सखे न च जन्म दुखम, कि नाम रोदिशी सखे न चेते विकारो, ज्ञानामृतिम समरसम गगनोपमो अहम्। हे सखे, अपने नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए तू क्यों रुदन करता है? क्योंकि तेरा ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु, ना तेरा जन्म है, ना दुख, तेरे कोई विकार ही नहीं है। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य इन सब से परे हूँ। कि नाम रोदिशी सखे न चाते स्वरूपम, कि नाम रोदिशी सखे न चाते विरूपम, कि नाम रोदिशी सखे न चाते व्यांसी, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो अहम्। हे सखे, तू किस काम के लिए रुदन करता है? ना तेरा कोई स्वरूप है, ना तेरा रूप ही नष्ट होने वाला है, तेरी आयु भी नहीं है। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। कि नाम रोदिशी सखे न चेते बयांसी, कि नाम रोदिशी सखे न चाते मनांसी, कि नाम रोदिशी सखे न तवेन्द्रियाणी, ज्ञानामृतिम समरसम गगनोपमो अहम्। हे सखे, तू किस वास्ते रुदन करता है? ना तो तेरी आयु है, ना मन है, ना ये इंद्रियां ही तुम्हारी हैं।
मैं ज्ञान अमृत समरस तथा आकाश तुल्य हूँ कि नाम रोदिशी सखे न चाते अस्ति कामहा कि नाम रोदिशी सखे न चेते प्रलोभहा कि नाम रोदिशी सखे न चाते विमोहो ज्ञान अमृतम समरसम गगनोपमो अहम। हे सखे तू किस लिए रुदन करता है, तू काम कामना भी नहीं है ना तू लोभी है, विमोह भी तेरा नहीं है। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ ऐसा जान। ऐश्वर्यमिच्छसी कथम न चाते धनानी, ऐश्वर्यमिच्छसी कथम न चाते ही पत्नी, ऐश्वर्यमिच्छसी कथम न चाते ममेति ज्ञानामृति समरसम गगनोपमोहम। तू ऐश्वर्य की किस प्रकार इच्छा करता है, ये धन तेरा नहीं है, पल भी तेरा नहीं, तेरा मेरा ऐसा कहना भी नहीं है। तू ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश को उपमा वाला आत्मा है, वही मैं हूँ ऐसा जान। लिंग प्रपंच जनुषी ना चाते ना मेच निर्लज मान समिदम चा विभाति भिन्नम निर्भेद भेद रहितम नाचा ते ना मेच्य ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो अहम। इस चिन्ह रूपी जगत प्रपंच को उत्पत्ति ना तेरे से हुई है ना मेरे से, किंतु इस लज्जा रहित मन को यह भिन्न प्रतीति होती है। यह निर्भेद और भेद रहित जगत भी ना तेरा है ना मेरा, मैं एक ही ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश को उपमा वाला हूँ। नो वाणुमात्रमपि ते ही विराग रूपम, नो वाणुमात्रमपि ते ही सराग रूपम, नो वाणुमात्रमपि ते ही सकाम रूपम ज्ञानामृतिम समरसम गगनोपमो अहम। तेरा अणुमात्र भी विराग रूप नहीं है, तुम्हारा अणुमात्र भी राग रूप नहीं है, तेरा अणुमात्र भी सकाम रूप नहीं है। मैं एक ही ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। ध्याता न ते ही हृदय न च ते समाधि, ध्यानम न ते ही हृदय न बही प्रदेशे, ध्येयम च न चेति हृदय न ही वस्तु कालो ज्ञानामृतिम समरसम गगनोपमो अहम। तेरे हृदय में ना कोई ध्याता है ना समाधि और ध्यान ही है। तेरे हृदय में बाह्य प्रदेश भी नहीं है, तेरे हृदय में ना ध्येय ही है ना काल जैसी कोई वस्तु ही है। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। यत्सार भूतमखिलम कथितम मया ते ना त्वम ना ते में ना तो महितो ना गुरु न शिष्य स्वच्छंद रूप सहजम परमार्थ तत्वम ज्ञानामृतिम समरसम गगनोपमो अहम। मैंने जो संपूर्ण सारभूत था वह तुझे कह दिया, किंतु यह सब ना तेरा है ना मेरा है, मह तत्व भी नहीं है ना गुरु शिष्य ही है। यह सहज स्वच्छंद रूप परमार्थ तत्व स्वरूप ज्ञान अमृत समरस तथा आकाश तुल्य है, वह मैं हूँ। कथमीह परमार्थ तत्वामनंद रूपम, कथमीह परमार्थ नैवमानंद रूपम, कथमीह परमार्थ ज्ञान विज्ञान रूपम। यदि परमेह हमेकम वर्तते व्योम रूपम, यदि मैं एक ही परम आकाश रूप हूँ तो उसमें परमार्थ तत्व एवं आनंद रूपता कैसे रहती है, तथा उसमें परमार्थ एवं आनंद रूप भी कैसे नहीं रहता, उसमें ज्ञान विज्ञान रूप भी कैसे रह सकता है। दहन पवन हीनम विद्धि विज्ञानमेकम, वनी जल विहीनम विद्धि विज्ञान रूपम, समगमन विहीनम विद्धि विज्ञानमेकम, गगनमीव विशालम विद्धि विज्ञानमेकम। यह आत्मा एक ही विज्ञान रूप है ऐसा तू जान, जो अग्नि और वायु से रहित, पृथ्वी और जल से रहित, आवागमन से रहित है। यह आकाश के समान विशाल है, न शून्य रूपम न विशून्य रूपम,
न शुद्ध रूपम न विशुद्ध रूपम, रूपम विरूपम न भवामि किंचित, स्वरूप रूपम परमार्थ तत्वम। मैं न शून्य रूप हूँ, न शून्य रहित रूप ही हूँ, न शून्य रूप हूँ न विशुद्ध रूप हूँ, न शुद्ध रूप हूँ न विशुद्ध रूप हूँ। मैं किंचित मात्र भी रूप और विरूप नहीं हूँ, मैं एक ही परमार्थ तत्व अपने ही रूप वाला हूँ। मुंच मुंच ही संसारम त्यागम मुंच ही सर्वदा, त्यागा त्याग विषम शुद्धम अमृतम सहजम ध्रुवम। तू स्वभाव से ही शुद्ध अमृत रूप एवं नित्य है, इसीलिए तू संसार का त्याग कर दे तथा त्याग को भी सर्वदा छोड़ दे तथा त्याग और अत्याग की भावना विष के समान है उसे भी छोड़ दे। इति तृतीयो अध्यायः, तृतीय अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।